ये संपत्ति मालिक की नहीं, हमारी है। हमने यहाँ काम किया है, हमारा एक एक खून की बूंद लगी है यहाँ। यहाँ कई लोगों की उंगली कट गई, हाथ कट गए, यहाँ इस कंपनी के अपना पूरा शरीर अर्पण कराया है। हम इसी को अपना परिवार मानते थे, वो आज मालिक परिवार मानने वाला कहाँ गया? 6 महीने से जिस श्रमिक को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो भुखमरी के कगार पर आ जाता है। हम 6 महीने से यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हमारे में कोई प्रशासन नहीं, कोई डीसी नहीं, कोई एसपी नहीं, कोई लेबर कमिश्नर नहीं, कोई कुछ नहीं। एक दौर ऐसा था जब सोनीपत के अंदर ये एटलस कंपनी की ब्रांच मिल्टन और एटलस लगी। इस इलाके में हजारों परिवारों को रोजगार मिला और उनके चूल्हे चले, और इन मजदूरों ने इन कंपनियों में अपने खून पसीने से सींच के मालिकों को इतना सुदृढ़ बना दिया और इतनी प्रॉपर्टी है आधी सोनीपत में, उनके प्लॉट बिल्डिंग खड़ी हैं। और अब हालात ऐसे हो गए हैं, चाहे वो एटलस कंपनी है, चाहे वो साई बाबाद वाली एटलस है, अब ये मिल्टन है, तीनों ही प्लांट इन्होंने बारी बारी से बंद कर दिए। ऐसा है जी, मैं इस कंपनी में 1997 में ज्वाइन करी थी मैंने। 30 अप्रैल के बाद इसने गेट का ताला लगा दिया और हमारे को बोल दिया कि हमारे को सिक्योरिटी वाले बोलते हैं कि हमारे को कोई ऑर्डर नहीं है मालिकों से। उसके बाद हमने लेबर कोर्ट, कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ नहीं गए हों, लेकिन लास्ट में हमारे को अभी तक कोई नतीजा नहीं मिला। हमारी यहाँ के प्रशासन, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से भी यह अनुरोध है, माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि हम गरीबों की तरफ देखा जाए। जब सरकार ये कहती है कि अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन हैं, आज हम रोड के ऊपर बैठे हैं, सरकार को क्या दिखता नहीं है? सब जगह बातें जाती हैं। सरकार हमारे लिए सोचे कि दिवाली का त्यौहार आ रहा है, कि ये बच्चों की काली दिवाली मनेगी, बच्चे हमारे मुंह की तरफ देखेंगे। चाहे वो एटलस कंपनी है, चाहे वो साई बाबाद वाली एटलस है, अब ये मिल्टन है, तीनों ही प्लांट इन्होंने बारी बारी से बंद कर दिए। अब इन्होंने जिस तरह से कंपनी को बंद किया है, जब वैसे तो सरकार की नीतियों का भी प्रभाव है, पहले नोटबंदी, फिर GST, फिर कोरोना में देशबंदी करने के चलते, हालांकि मालिकों का दूसरा रुख भी है, उनका आपसी भाईचारे का जो बंटवारा है प्रॉपर्टी का, उस बंटवारे पर झगड़ा है और वो सारी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं और बांटना चाहते हैं। उसको ढाल मजदूरों को बनाया जा रहा है। जो कानूनी पक्ष ये था कि अगर उन्होंने अगर वर्क सस्पेंड करना था या तालाबंदी करनी थी, पहले श्रम विभाग हरियाणा सरकार से इन्होंने परमिशन लेनी थी कि हम फलानी तारीख को अपनी कंपनी में लॉकडाउन कर रहे हैं या वर्क सस्पेंड कर रहे हैं, अगर वहाँ से परमिशन मिलती तो ये लॉकडाउन कर सकते थे। और लॉकडाउन करने से पहले इन्होंने टोटल्स वर्कर का हिसाब किताब, जो भी कानूनी देय लाभ है, चाहे वो इनके बकाया वेतन है, इनका बोनस है, इनका ग्रेजुटी का पैसा है, इनका छुट्टियों का पैसा है, वो सारा बना के और वर्करों के चेक काट के इनके खाते में डाल के फिर ये लॉकडाउन करो। इन्होंने हरियाणा सरकार से, श्रम विभाग से कोई परमिशन नहीं ली, ना ही वर्करों से कोई बातचीत की। इन्होंने एकदम से बगैर कोई मजदूरों को सूचित किए यहाँ लॉकडाउन कर दिया। वर्कर ड्यूटी पाए थे, ताला लगा मिला। जब श्रम विभाग में हमने शिकायत दी तो ये वहाँ 2-2.5 महीने के बाद इन्होंने कहा कि हमने वर्क सस्पेंड कर रखा है, जो कि गैर कानूनी है। रिजाइन तो अभी हमारा हुआ नहीं है और कंपनी इन्होंने चालू दिखा रखी पेपर में तो, और वैसे इन्होंने बंद कर रखी है। 30 अप्रैल के बाद इन्होंने बंद कर दी। आज के टाइम के सभी कुछ ऑनलाइन हुआ है और हम टेक्निकल आदमी है, और टेक्निकल आदमी है तो क्या होता है कि जब किसी के पास जाते हैं, किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं, तो वो कहते हैं जी अपना आधार कार्ड वगैरह दिखाते हैं, तो वो बोले जी आप तो मिल्टन साइकिल में जॉब करते हैं, आपको तो कुछ जॉब वगैरह नहीं मिल सकती। तो जाए तो जा क्या करें, वो जॉब तो हमारे को मिलेगी नहीं, और तो फिर अब क्या करेंगे फिर। एक सरकारी एम्प्लॉयज की अगर मान लो 1 महीने की सैलरी नहीं मिलती ना, तो पूरे शहर को जाम कर देते हैं। और हम 6 महीने से यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हमारे तो कोई प्रशासन नहीं, कोई डीसी नहीं, कोई एसपी नहीं, कोई लेबर कमिश्नर नहीं, कोई कुछ नहीं। सभी के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सर हमारे बारे में सोचिए, सर हमारे बारे में सोचिए, सर हमारे बारे में सोचिए, लेकिन कोई नहीं। हमारे जो पिछली बार हमारे जो चुनिंदा भाई साहब हैं, जो हमारे जो नेता है, वो डीसी साहब के पास गए थे, तो उन्होंने हमारे को क्या बोला कि हमने ठेका ले रखा तुम्हारा का। तो जो एक जिम्मेवार प्रशासन है
वो क्या कह रहा है, वो उन्होंने आना तो सही है सामने आके कि भाई हम इन मजदूरों के बारे में सोचें, लेकिन कौन सोच रहा है? कोई कुछ नहीं सोच रहा। एक कंपनी से इस मालिक ने 10 कंपनी लगा ली। इन दो भाइयों के आपसी बंटवारे की वजह से इनका एनसीएलटी में चंडीगढ़ केस चला हुआ है। इन श्रमिकों ने इतना पैसा कमा कर दे दिया, उस पैसे को भी आपस में दो भाई बांट नहीं पा रहे हैं। मजदूरों ने पैसा कमा कर दिया था, उस पैसे से इन्होंने जगह जगह कंपनियां खरीद ली, प्रॉपर्टी बना ली, लेकिन मजदूर के पास आज अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए 10 रुपये भी नहीं हैं। 6 महीने से जिस श्रमिक को तनख्वाह नहीं मिलेगी तो भुखमरी के कगार पर आ जाता है। हर एक परिवार मानसिक टेंशन में है, घर में झगड़े बढ़ रहे हैं। बच्चे कहते हैं पापा शाम को मेरे लिए ये चीज़ लेकर आना, मेरी कॉपी नहीं है, पेन नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। खर्चे पूरे करने के लिए मैंने सोने की चेन थी मेरी, मैंने वो बेच दी, शादी में दी थी, अंगूठी थी वो बेच दी, और जेवरात वगैरह ऐसे बेच के बड़ी मुश्किल से गुजारा, हो नहीं पा रहा। वो हमारे को परिवार कहता कि मेरा परिवार है, एटलस परिवार है, मिल्टन परिवार है, वो परिवार कहाँ गया? उस परिवार की आज हालत क्यों नहीं देखता आके?